आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं, आज हमारा एमसीक्यू पार्ट 18 है। आप इसको समझिए, ये आपका मॉक टेस्ट 2 है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 50 है, सभी सब्जेक्ट की, करंट अफेयर्स भी है, सारी चीज़ें। तो आपका ये मॉक टेस्ट 2 है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले, आप क्या करें, कंप्लीट वीडियो देखने से पहले आप कॉपी पेन पेपर लेके बैठें और अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि भाई हमारे आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं फिर भी चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टेस्ट सीरीज लास्ट ऑफर है। अगर आप 27 तारीख रात 12 बजे तक, 27 अक्टूबर रात 12 बजे तक अगर ये ऑफर लेना चाहते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। कितना? 50% यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके लिए आप अभ्यास क्या करें, 50 कोड का इस्तेमाल करें, 50%। तो अभ्यास 50 का आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कोड को, अभ्यास 50, तो आपको कितना मिल जाएगा, 50% आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इस कोड का इस्तेमाल करिए। ये ऑफर जो है अक्टूबर रात 12 बजे, 27 अक्टूबर रात 12 बजे तक अप्लाई है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप डेली एमसीक्यू सोल्व करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर लगभग 2.9 अब हो चुके हैं, ये पहले का फोटो है, अब 2.9 यहाँ पर हो चुके हैं। तो लगभग 3000 लोग स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ तक जुड़ चुके हैं। तो आप एमसीक्यू सीरीज के लिए यहाँ पर डेली आप जुड़िए, यहाँ पर हम फ्री। और आप हमारी इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ भी हम डेली सुबह पिक्चर्स के फॉर्म में एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं, तो आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी टेस्ट सीरीज कोर्स अगर परचेस करना है, जो स्टूडेंट हरियाणा के एसएडीओ या एडीओ का कोर्स लेना चाहते हैं, एमपी के जो स्टूडेंट है एसएडीओ आरईओ आरएचयू के लिए कोर्स लेना है, टेस्ट सीरीज लेना है, तो ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, यहाँ पर हमने क्वेश्चन इस प्रकार से फॉर्म किया है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर वो सारी चीज़ कवर कर ली। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्रिप इरीगेशन, कि ड्रिप इरीगेशन के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है कि ड्रिप इरीगेशन की जो एफिशिएंसी होती है वो 90 से लेकर 95% है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ड्रिप इरीगेशन का जो डिस्चार्ज रेट होता है वो कितना होता है, 1 से 4 लीटर पर आवर, बिल्कुल करेक्ट सही है। इसका जो प्रेशर होता है, पाइप का जो प्रेशर होता है कितना होता है, 1.5 से लेकर 2, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मोस्ट सुटेबल फॉर वाइडली स्पेस्ड क्रॉप, ये भी करेक्ट है। तो मोस्ट सुटेबल क्लोजली ग्रोइंग, ये गलत है, इनकरेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि ड्रिप इरीगेशन इज सुटेबल फॉर द वाइडली स्पेस्ड, है ना। आप देखते होंगे जो ऑर्चर्ड वगैरह होते हैं ना, जो अपने फ्रूट ऑर्चर्ड जो होते हैं, ठीक है, बागवानी फसलें जो होती हैं वहाँ पर बगीचे के अंदर, ये वाला लगाया जाता है जो वाइडली, जिनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ पर्लमिलेट, पर्लमिलेट की वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी होती है। तो पर्लमिलेट की वाटर यूज एफिशिएंसी होती है कितनी, 8 होती है। 9 किसकी होती है, 9 जो होती है दोस्तों सोरगम की होती है, याद रखना किसकी होती है, सोरगम की होती है। 13 फॉर फॉन्ट सबसे ज़्यादा है, आपको कहीं कहीं पर ये 13.7 तक आपको मिल सकती है किसी किसी बुक के अंदर। हाईएस्ट होती है किसकी, फिंगर मिलेट की, किसकी, फिंगर मिलेट्स की हायर होती है सबसे ज़्यादा। इसका 12.6 ये होती है दोस्तों व्हीट की, किसकी, गेहूं की, है ना। वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी होती है, 12.6, और 3. ये लोवेस्ट होती है, ये क्या है, लोवेस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी होती है, राइस की होती है। नेक्स्ट है, विच हर्बिसाइड यूज इन राइस, राइस में हम कौन सा हर्बिसाइड ज़्यादा यूज करते हैं। तो राइस के अंदर हम प्रोपेनिल हर्बिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मैक्रोनी वीट, कौन सा स्टेटमेंट मैक्रोनी वीट के बारे में इनकरेक्ट है, आपको बताना इनकरेक्ट। तो इट्स बोटनिकल नेम इज ट्रिक्टिकम ड्यूरम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सूजी एंड सेमिया, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जेराज द वेराइटी ऑफ ड्यूरम, बिल्कुल करेक्ट है। यूज फॉर द उपमव, तो ये आंसर गलत है। देखो, उपमव किससे बनाया जाता है, इमर वीट से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, इमर वीट से ये बनाया जाता है, जिसको हम टिक्टिकम डाइकोकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टिक्टिकम डाइकोकम भी कहते हैं। तो यह वाला स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच 5-year plan एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है, ठीक है, कब, इन विच 5-year plan एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इन इंडिया वाज डन। तो ये कौन सा था, 7th 5-year plan कौन सा था, 1987 के अंदर आप देखोगे तो 7th 5-year plan के अंदर, 5 है ना, इंडिया के अंदर हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स, तो आंसर है एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स कितने, 15। कितने एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स कितने, 15 है, और एग्रो इकोलॉजिकल जो है अभी 20 है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन, एग्रो
इकोलॉजिकल जोन कितने, तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है 20, पहले 21 थे, अभी प्रेजेंट के अंदर 20 है, ठीक है। और एग्रो क्लाइमेटिकल जोन कितने, 15 है, जो कि 7th 5-year प्लान के अंदर दिए गए थे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। मोस्ट डोमिनेंट मिनरल ऑन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का सबसे ज्यादा डोमिनेंट मिनरल कौन सा होता है, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा होता है भाई फेल्सपार। कितना, 48% क्या होता है, फेल्सपार होता है 48%, ठीक है। और सबसे आप जो क्वार्ट्ज एग्जाम में पूछा जाता है कितना होता है, 36% होता है। और माइका जो होता है 10% होता है, माइका कितना होता है, 10% होता है, आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो होता है 48% फेल्सपार, क्वार्ट्ज 30 और माइका 10%। फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, भाई सबसे ज्यादा वैरायटी कौन सी है, तो नोरिन 10 एक वैरायटी भी है और जीन का नाम भी है ना, आप पढ़ देंगे कि इन व्हीट ड्वार्फ जीन, तो ड्वार्फ जीन भी इसी का नाम है ना, ड्वार्फ जीन भी नोरिन 10 है और एक वैरायटी भी है, याद रखना फर्स्ट है ना, ये जापानीज वैरायटी भी है, तो फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी यही थी एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 8, क्रॉप यूज फॉर द डिटरमाइनिंग परमानेंट विल्टिंग पॉइंट अंडर द फील्ड कंडीशन, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है कैलकुलेट करने के लिए किस प्लांट का यूज किया, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कंसेप्ट किसने दिया, व्रिक्स एंड सांस, ठीक है। तो व्रिक्स एंड सांस के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए उन्होंने किसका, सनफ्लावर ड्वार्फ सेफ है ना, ड्वार्फ जो है सनफ्लावर का इस्तेमाल किया, किसका, ड्वार्फ सनफ्लावर, याद रखना ठीक है, ड्वार्फ सनफ्लावर का यहाँ पर यूज किया है, तो ड्वार्फ सनफ्लावर यह है करेक्ट आंसर। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर जो टेंशन होता है कितना होता है, -15 ATM है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच हर्बिसाइड यूज फॉर द पिजन पी और ग्राउंड नट इंटरक्रॉपिंग, पिजन पी एंड ग्राउंड नट इंटरक्रॉपिंग के लिए हम ये यूज करते हैं फ्लूक्लोरीलिन का, किसका, फ्लूक्लोरीलिन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आइडियल रेशो ऑफ NPK एप्लीकेशन, जो NPK का फर्टिलाइजर आइडियल रेशो कितना होता है, तो 4:1, जनरली आप देखते होंगे कि कौन सा होता है, 4:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ फाउंडेशन सीड ऑफ राइस, राइस में फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है, तो आंसर है 3 meter होती है ना। अगर हाइब्रिड राइस पूछता है आपसे, अगर हाइब्रिड राइस पूछता है ना, हाइब्रिड राइस के लिए कितनी होती है, तो ये 200 meter होती है, याद रखना आपको 200 meter होती है हाइब्रिड राइस के लिए। अगर आपसे डायरेक्ट फाउंडेशन के लिए पूछा तो 3 meter, आपका आंसर यहाँ पर 3 meter है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टोमेटा ओपन एट नाइट, जो स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं, डे टाइम में, रात में ओपन होते हैं, डे टाइम में क्लोज होते हैं, उन स्टोमेटा को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा ओपन एट नाइट, ओपन एट नाइट, ओपन कब होते हैं, नाइट में, ओपन कब होते हैं, नाइट के अंदर होते हैं, और क्लोज्ड कब होते हैं, क्लोज्ड होते हैं डे टाइम के अंदर, क्लोज्ड कब होते हैं, डे टाइम में होते हैं, तो उन स्टोमेटा को क्या बोलते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। जीरो स्टेज ऑफ रस्ट फंगस इज कॉमनली, देखो रस्ट जो रस्ट फंगस जो होती है पक्सीनिया, रस्ट फंजाई जो होती है पक्सीनिया, तो पक्सीनिया के अंदर डिफरेंट स्पोर का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो स्पोर्स बनते हैं उनको अलग अलग क्या नंबरिंग दी जाती है, तो जीरो स्टेज पर आता है पिकनियो स्पोर, पिकनियो स्पोर जो होता है, पिकनियो स्पोर है ना, ये जीरो स्टेज पर आता है। फर्स्ट पर आता है एसयू स्पोर, कौन सा आता है, एसयू स्पोर आता है। देन सेकंड पर आता है यूरोडोस्पोर, कौन सा आता है, यूरोडोस्पोर। और थर्ड पर आता है, थर्ड पर कौन सा आता है, थर्ड पर आता है टेलियोस्पोर, कौन सा आता है, टेलियोस्पोर। और भाई फोर्थ पर आता है, ठीक है, बेसिडियोस्पोर, याद रखना आपको बेसिडियोस्पोर। इस तरह से क्या है नंबरिंग होती है, तो जीरो स्टेज पर आता है यहाँ पर पिकनियोस्पोर है ना। तो यहाँ पर जो होता है ना यूरोडोस्पोर को कहते हैं हम रिपीटिंग स्पोर, क्या कहते हैं इसको, हम रिपीटिंग स्पोर कहते हैं। और टेलियोस्पोर को हम कहते हैं यहाँ पर रेस्टिंग स्पोर, क्या कहते हैं, रेस्टिंग स्पोर, इसको हम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फैमिली ऑफ एलोवेरा, एलोवेरा की फैमिली कौन सी है, तो आंसर लिलियेसी फैमिली होती है एलोवेरा की। क्वेश्चन नंबर 15, फूड फोडर फ्यूल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो उस फॉरेस्ट को जहाँ से हमको फूड मिलता है, फोडर मिलता है, फ्यूल फाइबर, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव रोल, क्या है भाई, प्रोडक्टिव रोल होता है, करेक्ट आंसर प्रोडक्टिव। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 16, ग्राफ्टिंग इज ए टेक्निक दैट वेजिटेबली जॉइन्स टू प्लांट्स इनटू वन इन विच लोअर पार्ट इज नोन एज, हम जब आर्टिफिशियल क्या करते हैं, वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ग्राफ्टिंग के टाइम हम क्या करते हैं, दो अलग अलग प्लांट्स को जोड़ते हैं, तो जो रूट वाला पार्ट होता है नीचे वाला, जिससे रूट का फॉर्मेशन होता है, और एक अबाउ जिससे स्टेम बनता है, तो ये होता है सियोन, क्या होता है, सियोन होता है, और ये क्या होता है, रूट स्टॉक होता है, क्या होता है, रूट स्टॉक, क्लियर है, ये रूट स्टॉक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रूट स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 17,
डोंगरीज रूट स्टॉक इज आइडेंटिफाइड इन फॉर ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंस। तो भाई डोंगरीज जो है एक रूट स्टॉक है, किस क्रॉप में इसका यूज करते हैं, किस फ्रूट क्रॉप के अंदर, जो कि ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेप। करेक्ट आंसर क्या है? ग्रेप। 17 कैश्यू नट ट्री विल स्टार्ट फ्रूटिंग आफ्टर द 4 ईयर। भाई कितने दिन बाद? तो आंसर 4 साल बाद क्या होते हैं, फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? All lands with forest cover with canopy density 70% or above। जब canopy density 70% इससे ज़्यादा होती है, कल हमने डिस्कस किया था फॉरेस्टी रिपोर्ट के अंदर, तो इसको कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए कॉटन वॉल डैमेज बाई स्पॉटेड वॉल बॉम्ब्स एरियाज स्पेसीज में भी डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम दैट इन्फेस्टेड बाई द पिंक वॉल बॉम्ब। देखो कॉटन में भाई इन्फेक्शन जो होता है पिंक वॉलवर्म से होता है, और स्पॉटेड, तो स्पॉटेड वॉलवर्म और पिंक वॉलवर्म का जो इन्फेक्शन है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे सेपरेट करना है, तो इसका कैसे सेपरेट करना है, ए प्रोमिनेंट होल विथ एस्क्रीटेड ओपनिंग। जो स्पॉटेड वॉलवर्म होता है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एक प्रोमिनेंट होल बनता है जहाँ पर क्या होता है, एस्क्रीटा होता है एट द ओपनिंग यहाँ पर। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 21, ए फॉर्म ऑफ लो प्रूनिंग इज अबाउट 20 मीटर अप टू द स्टेम। हम प्रूनिंग करते हैं नीचे से ना, अबाउट द अप टू ग्राउंड से लेवल 2 से 3 मीटर हाइट पर क्या करते हैं हम नीचे से प्लांट को यहाँ से काटते हैं, इसको क्या होता है, पोलार्डिंग। क्या कहते हैं इसको? हम पोलार्डिंग कहते हैं। ए क्रॉपिंग सिस्टम वेयर एरेबल क्रॉप्स आर ग्रो इन द इंटर स्पेस बिटवीन द रो प्लांटेड ट्रीज। ऐसे ये ट्री होते हैं तो ट्री के बीच में जो रोज होती हैं, गलियाँ जो होती हैं, इनके बीच में जो क्रॉप्स को हम लगाते हैं, जैसे जिंजर है, टर्मरिक है, ठीक है, इनके बीच में जो लगाते हैं उसको हम कहते हैं एलो क्रॉपिंग। ठीक है, जो ट्रीज की रोज के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में अगर हम कोई क्रॉप्स लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम एलो क्रॉपिंग कहते हैं। 23 है, एक्ट ऑफ मैटिंग इन कैटल एंड बफेलो। देखो कैटल एंड बफेलो के अंदर जो मैटिंग एक्ट होता है उसको हम सर्विंग कहते हैं, बिल्कुल सही है। व्हाइल द एक्ट ऑफ मैटिंग इन शीप, शीप में एक्ट ऑफ मैटिंग को क्या कहते हैं, तो उसको हम टपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द स्टेट वेन एनिमल बिकम्स सेक्चुअली मैच्योर। भाई वह कंडीशन जहाँ पर एनिमल जो होता है सेक्चुअली मैच्योर हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी वो स्टेज होती है जहाँ पर कोई भी सेक्चुअली क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। अब मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए वो तैयार है, मीन्स बर्थ के लिए वो क्या होता है, तैयार होता है सेक्चुअली रिप्रोडक्शन। जैसे मेल है तो स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगता है, फीमेल है तो है ना ओवम बनने लगता है। 25, विच इज़ द फंगल डिजीज ऑफ कैटल। ठीक है भाई, फंगल डिजीज कौन सी है? एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, FMD, ठीक है, ब्रूडर निमोनिया, HS। यहाँ पर करेक्ट आंसर ब्रूडर निमोनिया क्या होती है, फंगल एस्परजिलस से होती है। याद रखना किससे होती है, एस्परजिलस के द्वारा ये होती है। क्वेश्चन नंबर 26, विच सीप ब्रीड इज नोन एज द जर्सी काउ। ठीक है, कौन सी सीप ब्रीड जर्सी काउ कहते हैं, तो एंग्लो नूबियन को क्या कहते हैं, हम जर्सी काउ कहते हैं। फ्रेंड एंग्लो नूबियन को क्या बोला जाता है, जर्सी काउ कहते हैं। 27 है, विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अमाउंट रूरल यूथ फार्मर्स कस्टमर ट्रेडर्स। करेक्ट है, ठीक है, डिसेमिनेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। करेक्ट है, यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद ऑर्गेनाइज द मिनिमम ऑफ 1 क्लस्टर डेमोस्ट्रेशन इन द विलेज, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर सभी करेक्ट हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। द फर्स्ट एवर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। भाई ये फार्म फ्रेंडली इंडेक्स जो पहली बार किसने लॉन्च किया, तो इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन की स्टडी को कहते हैं हम पेलिनोलॉजी। क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी कहते हैं, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज लॉन्च्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग पुअर इन रूरल एरियाज टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कि भाई गाँव के अंदर रूरल एरिया के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई, ट्राइसेम। कौन सी? 1979 के अंदर ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्राइसेम यहाँ पर लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट सेक्चुअल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज। क्या कहते हैं इसको? एपोमिक्सिस। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो इसको कहते हैं एपोमिक्सिस। और डेवलपमेंट ऑफ, याद रखना यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये होता है। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अगर ये पूछा आपसे सीड का, तो आपको क्या बताना है, एपोमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर 32,
यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर या एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो उसको हम कहते हैं जीन। ठीक है, वंशागति की इकाई को क्या कहते हैं? हम जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP कब स्टार्ट हुआ है? तो 1960, है ना। एक होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर IAPA वाला, है ना, ये भाई 1964 के अंदर है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोग्राम। इन विच टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कंपेरिजन बिटवीन टू प्रैक्टिसेस, क्योंकि कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन होता है जहाँ पर हम ओल्ड एंड न्यू टेक्निक्स के बीच में कंपेरिजन करते हैं? तो वो होता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या करते हैं, ओल्ड टेक्निक और न्यू टेक्निक के बीच में क्या करते हैं, कंपेरिजन, कि विच टेक्निक इज सुपीरियर, कि कौन सी टेक्निक सुपीरियर होती है ना। ऐसे हम कोई इंसेक्टिसाइड है तो भाई कौन से इंसेक्टिसाइड का इसमें कि स्प्रे से भाई क्रॉप जो है उसके अंदर हमको बेटर रिजल्ट मिल रहा है, तो ओल्ड और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच में कंपेरिजन करते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। यहाँ पर करेक्ट आंसर है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 35, स्पेसिंग ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन के लिए कितनी स्पेसिंग होती है? तो इसकी स्पेसिंग होती है 20x15 सेंटीमीटर। मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट, गेहूं की जो मोलिया डिजीज होती है किससे होती है? तो नेमाटोड हेटरोडेरा अवेनी से होती है। क्वेश्चन नंबर 37, स्टोमेटल बिहेवियर इज मेजर्ड बाय, स्टोमेटल बिहेवियर किससे मेजर करते हैं? तो आंसर है पोरोमीटर। पोटोमीटर से क्या करते हैं? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, है ना, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं ना इससे हम, है ना। मैनोमीटर से रूट प्रेशर, याद रखना आपको रूट प्रेशर, इससे क्या करते हैं हम रूट प्रेशर करते हैं। ठीक है, पीजोमीटर वाटर टेबल, वाटर टेबल, ठीक। देन इसके बाद प्लेनीमीटर, ठीक है, एरिया ऑफ रेगुलर सरफेस, एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस जो है उसका एरिया को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कंट्रीब्यूशन ऑफ द CH4 मैथेन गैस इन ग्लोबल वार्मिंग, देखो ग्लोबल वार्मिंग मैथेन का रोल जो है वो 25% है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर आपके थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ठीक है, वहाँ पर CO2 का इंक्रीज हुआ है, CO2 जो है 60-65% चला गया ना लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे तो 60-65% है। और ये जो है, ठीक है, ये थोड़ा कम हुआ है, ये लगभग है ना 15-20% तक आपको मिल जाएगा। लेकिन जो कुछ अगर इस तरह से कोई ऑप्शन आता है तो वहाँ पर 25% आंसर है। तो आप देखना अगर है ना एग्जाम में कौन सा डाटा, अभी 2019-20 के अंदर IPCC के रिजल्ट जो आया ना अभी रिसेंटली, ठीक है, USA के द्वारा, ठीक है, 4-5 दिन लगभग पहले एक वहाँ पर रिपोर्ट जारी हुई है, याद रखना USA ने अभी 4-5 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की है। तो वहाँ पर बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वर्ल्ड में, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज हैं वो दो हैं, एक है इंडिया और एक है पाकिस्तान, एक है इंडिया और एक है पाकिस्तान। रिसेंटली लास्ट आज या कल, है ना, आपको मैं बताता हूँ टुडे या फिर है ना यस्टरडे, ठीक है, बहुत सारे इंडियन लोग हैं इन्होंने अमेरिका के अंदर प्रदर्शन किया है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री जो हैं, ठीक है, वहाँ पर कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जिम्मेदार तो डेवलप्ड कंट्री हैं, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कौन, CO2 का इमिशन कौन करता है, ठीक है, तो CO2 का इमिशन करता है डेवलप्ड कंट्री जो USA है, ठीक है, इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी है, फ्रांस है वो, ठीक है। इसके कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लगभग 65,000 करोड़, आप समझ सकते हैं हमारी इकोनॉमी को लगभग 65,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये आज की लेटेस्ट रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज की लेटेस्ट रिपोर्ट है, हमारी इकोनॉमी को इससे लगभग 65,000 करोड़ का नुकसान हुआ, किससे, इन डेवलप्ड कंट्री के CO2 इमिशन से। और ये जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, इंडिया को, डेवलपिंग कंट्री को, ठीक है। चलिए 39, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750, ठीक है, ऐसे एरिया में जहाँ पर कल्टीवेशन करना कि जहाँ पर एनुअल जो रेनफॉल होती है लेस देन 750 mm है, तो उसे क्या कहते हैं हम, ड्राई फार्मिंग, क्या कहते हैं, ड्राई फार्मिंग। और 750 से लेके 1150 तक होती है उसे हम ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं, और रेनफेड अबाउ 1150 mm, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, ठीक है, कहाँ पर है, तो आंसर है मालेगांव, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है, बारामती मालेगांव महाराष्ट्र। अगर ये पूछते हैं, सॉरी एबायोटेक का पूछे ना, एबायोटेक का कहाँ पर है, मालेगांव। अगर आपसे बायोटेक का पूछते हैं तो बायोटेक का कहाँ पर है, रायपुर। अगर ऐसा पूछा जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर, एबायोटेक का महाराष्ट्र में, मालेगांव महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 41, हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर, याद रखना हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर स्किल, ठीक है, काउंसिल इंडिया, ये इसका जो हेडक्वार्टर का गुरुग्राम के अंदर है।
वर्ल्ड कॉफी डे इज सेलिब्रेटेड 1 अक्टूबर। वर्ल्ड कॉफी डे कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। एवरग्रीन रेगुलेशन रिलेटेड टू, भाई एवरग्रीन रेगुलेशन किससे रिलेटेड है? तो आंसर ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। देखो प्रोडक्शन ऑफ कोर सीरियल इससे साइलेंट रेगुलेशन ना, साइलेंट रेगुलेशन जो है इससे रिलेटेड है। इसके बाद हनी बी रियरिंग, अंबर रेगुलेशन है ना, अंबर, ठीक है। यहाँ पर लेगा मधुमक्खी का पालन करना, ठीक है, अंबर रेगुलेशन। अगर ऐसा लेगा शहद का उत्पादन करना, हनी प्रोडक्शन करना है, आपको हनी प्रोडक्शन करना है तो इसके लिए स्वीट रेगुलेशन, याद रखना स्वीट रेगुलेशन है ना, दोनों में अंतर है, ठीक है। हनी उत्पादन के लिए स्वीट रेगुलेशन है, हनी बी रियरिंग के लिए अंबर रेगुलेशन है, ठीक है। रिवर लिंक नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, इसके लिए है ना, अब नदी जोड़ो रिवर लिंक प्रोजेक्ट, नदियों को आपस में जोड़ा जाता है। इसके बाद एक प्रोडक्शन रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो इसका आंसर है, ठीक है, इसको कहते हैं फूड चेन रेगुलेशन, फूड चेन, ठीक है। फूड चेन रेगुलेशन में क्या करते हैं? फूड चेन रेगुलेशन के अंदर ये किया जाता है कि हमको है ना कोल्ड स्टोरेज बनाकर जो हमारा वेस्टेज होता है उसको कैसे भी करके हमको कम करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, विच फ्लोवर इज नोन एज द ग्लोरी ऑफ ईस्ट, किस फ्लोवर को हम ग्लोरी ऑफ ईस्ट कहते हैं? तो आंसर क्राइसेंथेमम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑप्शन इज करेक्ट? प्रोपिंग, शुगर कैन में क्या हम प्रोपिंग करते हैं? बिल्कुल करेक्ट है, सपोर्ट देना। ग्राउंडनट में पोपिंग, यस पोपिंग होता है ग्राउंडनट के अंदर ड्यू टू द कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम डिफिशियंसी पॉपिंग। टोबैको से रिलेटेड रैबिंग, यस ठीक है, रैबिंग क्या होता है, ठीक है, वर्निंग ऑफ, वर्निंग, ठीक है, वर्निंग ऑफ टोबैको स्ट्रो, टोबैको स्ट्रो जो होता है ना भाई उसको फील्ड पर जलाते हैं तो उसको बोलता है रैबिंग। एंड जूट में रैगिंग, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए बी सी डी, चारों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, स्ट्रो टू ग्रेन रेशो इन व्हीट ग्रो, तो 1:1 ये है ना, ये भाई रेशो 1:1.5 ये क्या है, वीट के अंदर गेहूं में ग्रेन टू स्ट्रो रेशो ये होता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना स्टार्टेड कब स्टार्ट की है? तो सितंबर 2019 के अंदर, 12 सितंबर 2019, ठीक है, ये स्टार्ट की गई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिल्ट एंगल ऑफ डिस्क ब्लो, डिस्क ब्लो का जो टिल्ट एंगल होता है कितना होता है? 15 से लेकर 25 डिग्री, है ना, और आपको पता है कि भाई डिस्क ब्लो के लिए एक दूसरा एंगल होता है ना, एक डिस्क एंगल होता है वो कितना होता है, ये डिस्क एंगल होता है, कौन सा डिस्क एंगल, तो डिस्क एंगल कितना होता है? तो आंसर है 42 से लेकर 45 तक। टिल्ट एंगल कितना होता है? 15 से लेकर 25। 49 है एन इंडिजिनियस फ्लो इज, इंडिजिनियस फ्लो जो होता है वो क्या है? तो आंसर है इंडिजिन, देखो फ्लो है तो आंसर है प्राइमरी होता है। अब क्या प्राइमरी कैसा है? तो आंसर है मल्टीपर्पज इम्प्लीमेंट, इंडिजिनियस फ्लो क्या होता है, एक बहुउद्देशी इम्प्लीमेंट क्या है, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट होता है, ये प्राइमरी सोइंग नहीं, तो प्राइमरी भाई सोइंग तो करते ही नहीं हम, ठीक है, सोइंग तो है ना, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो फ्लो है तो प्राइमरी है, लेकिन क्या है, मल्टीपर्पज प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, इन एन ऑफसेट हैरो द नंबर ऑफ गैंग, ऑफसेट हैरो के अंदर जो गैंग होती है वो कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है 2। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है, आप अपने आपको सेल्फ क्या करना है, एनालिसिस करना है, अगर आपके नंबर भाई 40-45 अच्छा आ रहा है तो बढ़िया है ना, आपको क्या है डिफ्रेंस नहीं होना है, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो चुकी है, अभी 4 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, अभी 26, 27, 28, 29, 30, 4 दिन के अंदर मैं आपको लगभग 5 से 6 मॉक टेस्ट और लेके आऊँगा जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको सारे 50 क्वेश्चन समझ आए होंगे, अभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, जिससे मैं आपको नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट कंडक्ट कर सकूं, तो आप बिल्कुल मेरे को सपोर्ट करिए, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट बिल्कुल आपके लिए लेकर आऊँगा अच्छे से अच्छे।